गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्ट्रा। एसटीएफ ने कर्मचारी चयन आयोग एसएससी मध्य क्षेत्र द्वारा आयोजित दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, कार्यकारी पुलिस और महिला भर्ती परीक्षा 2020 में सालवरों के जरिए धांधली करने वाले 12 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बरामद किए कूट रचित दस्तावेज, आधार कार्ड व मोबाइल फोन। बिजली के पोल से टकराकर पलटा पेट्रोल भरा टैंकर। शाहपुर थाना क्षेत्र के कौआबाग पुलिस चौकी के पास की है घटना। लोगों में पेट्रोल लूटने की मची होड़। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला, नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा, स्थिति सामान्य। 3 दिसंबर को होने वाले गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना स्थल का रिटर्निंग ऑफिसर व मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत मतगणना सम्पन्न कराने के दिए निर्देश। ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव के थीम एब्सोल्यूट कंजप्शन विद जीरो वेस्ट के तहत गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रथम महिला ने स्थापित किया ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्ट मशीन। कहा, ऐसी मशीनों से ही देश के सबसे स्वच्छ शहरों में गोरखपुर हो सकेगा शामिल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी ने कहा, बिना अनुमति के शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 100 लोग। 100 लोगों में बैंड बाजा, वेटर, माली, लाइट व अन्य कारीगरों की नहीं होगी गिनती, करना होगा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई परफॉर्मेंस ग्रांट स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित शौचालय, पंचायत भवन सहित अन्य कार्यों की समीक्षा बैठक। पंचायत चुनावों के पहले विकास कार्यों को पूरा करने के दिए निर्देश। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को संपन्न कराने के लिए मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं पीठासीन अधिकारियों को दिया गया द्वितीय प्रशिक्षण। एडीएम सिटी ने कहा, 1 दिसंबर को होगा मतदान, 3 को होगी मतगणना। सीओ कैंट की अध्यक्षता में कैंट थाने पर आयोजित हुआ थाना संपूर्ण समाधान दिवस। कहा, आए मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण। गोरखपुर में शनिवार को मिले 35 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,992। अब तक 322 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 462 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। महानगर में अपना अड्डा बना चुकी प्राइवेट बसें जाम की समस्या के साथ बन सकती हैं दुर्घटना के कारण। एडीएम सिटी ने प्राइवेट बस मालिकों को किया आगाह। कहा, गैर कानूनी बसों का किया जाएगा चालान, किया जा सकता है परमिट भी कैंसिल। बेलीपार थाना के नवनिर्मित पुलिस चौकी मारवाड़िया कुआं का एसएसपी ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कहा, पुलिस चौकी की स्थापना से लगेगी अपराध और अपराधियों पर लगाम। और सांसद रवि किशन ने लगातार दूसरे दिन बांटे गरीबों को कंबल, खिले गरीबों के चेहरे, किया आह्वान। कहा, गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आए सक्षम लोग।